वेलकम टू डी डी अकैडमी। अपनी सी डी पी दी सीरीज़ नू कंटिन्यू करते हुए अज आप फिर कुछ एम सी क्यूज नू डिस्कस करांगे जी। शुरुआत करते हैं तो पहला एम सी क्यू है जी अज अपना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकोडल टेंडेंसीज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश। तुहाडा जो ये क्वेश्चन है यह डेवलपमेंट का तुहाडा जो चैप्टर है उसे दे विच ही लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो काफ़ी बार यह जो है पूछा भी जा चुके हैं कि जो थोड़ा जो है डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है वो जो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर आप गल करिए जोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट है वह दो तरीकों की होंगी है। अगर आप एक्सटर्नल पैटर्न की गल करिए जो होएगा डेवलपमेंट होएगा वनू आप कहने सेफेलोकोडल भाव कि जो डेवलपमेंट होएगा वह हैड टू टो जाएगा, सिर तो लैके पैर तक जाएगा। तो इसके बाद जो थोड़ा सैकेंड आता जी प्रोक्सीमोडल ओ वाला जो होंगे वह अपना जाता सेंटर टू पेरीफेरी भाव कि केंद्र तो बाहर वाल जो कंट्रोल आता उन्होंने कहा जाता है। ठीक है जी, तो हुण तुहाडा क्वेश्चन जो है सेफेलोकोडल टेंडेंसीज़ दे विचों पूछा गया कि ए वाला जो है प्रिंसिपल जो है ये प्रोसीड करता है किवें, तो इहदा तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी हैड टू टो। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हैड टू टो या हैड टू फीट, हैड टू फुट। नो 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 नो, दोबारा वेलकम टू डी डी अकैडमी। अज आप सी डी पी के कुछ होर एम सी क्यूज़ नू जी डिस्कस करांगे, अपनी सीरीज़ नू कंटिन्यू रखांगे। तो कुछ एम सी क्यूज़ ने तुहाडे फिर तो जो तुहाडे सी टैट एंड पी टैट के लिए तुहाडे लिए प्रॉफिटेबल रहनगे, तुहाडे लिए फायदेमंद रहनगे, उन्हां नू डिस्कस करदे हां। पहला क्वेश्चन है जी अपना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकोडल टेंडेंसीज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश। जे तुहाडा क्वेश्चन है जी ये डेवलपमेंट दो जो तुहाडा चैप्टर है उसे विचों लिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन है वो तुहाडा सेफेलोकोडल टेंडेंसीज डेवलपमेंट पूछा गया भी जो सेफेलोकोडल डेवलपमेंट है वह किवें जो कि है किस जो प्रिंसिपल है यह किवें चलता है। ठीक है जी, डेवलपमेंट का अपना, तो यदा तुहाडा जो राइट आंसर बनेगा जी इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हैड टू फुट, भाव कि जो सेफेलोकोडल डेवलपमेंट है ये थोड़ी चलती है हैड टू फुट। पहला बच्चे का सब तो पहला जो कि है हैड के उपर कंट्रोल बनता है, हौली हौली वह जो कंट्रोल है अगे बढ़ना शुरू होंगे, तो फिर बाद उस आर्म्स से उस लत्तों के उत्ते कंट्रोल बनना शुरू होंगे। तो यह जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर चलता है जी हैड टू फुट या हैड टू टो भी कह सकते हो तुसी। तो इसका राइट आंसर बनेगा थोड़ा ऑप्शन नंबर ए हैड टू फुट। इसी कुछ इसने ना रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नू भी तुहाडे लिए ऐड किया गया ता कि तुसी अगर चाहो तो इस नू एज अ नोट्स बना सकते हो। जिवें जिवें आप क्वेश्चन डिस्कस करांगे कुछ वो रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट गल्लां होनगियां वो तुहानू एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे विच प्रोवाइड कर दित्तियां जाणगियां, या कह लो तुहाडे होर एग्जाम्स ना जो है रिलेट करन ता ओ कुछ गल्लां आपां डिस्कस करिया करांगे जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे विच। ता इसे क्वेश्चन बारे आपां थोड़ा जिहा एडिशनल इहदी इन्फॉर्मेशन लैंदे आ। ता तुहाडे इत्थे सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे विच है जी सेफेलोकोडल प्रिंसिपल जिस दी आपां हुणी हुणी गल करके हटे आ। तुहाडा क्वेश्चन जो सी इसे दे उपर बेस सी, इहदे लई तुहानू एक डेफिनेशन भी प्रोवाइड कीती गई है। इट स्टेट्स दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न दैट स्टार्ट विद द हैड then proceed to the rest of the body head to foot, भाव कि ये जो कि है तुहाडा डेवलपमेंट या ग्रोथ का एक प्रोसीजर है, एक पैटर्न है जिहड़ा शुरू हुंदा है अपने हैड तो उस बाद हौली हौली कंट्रोल थल्ले वल नहीं जाता है, भाव कि हैड टू फुट तुहाडा जो हैगा सेफेलोकोडल डेवलपमेंट नूं कहा जाता है या सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है। ठीक है जी, इस बाद तुहानूं दित्ता होया प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल
हूँ ए वाला जो है तुहाडा ए भी है, ये इंटरनल कंट्रोल की गल हो रही है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वह किमें बनता है। तो इंटरनल कंट्रोल पहला सेंटर दैन पैरीफेरी, सेंटर टू पैरीफेरी जो है जी अपना कंट्रोल बनता है उसनों तुहाडा कहा जाता है प्रोक्सीमोडिस्टल कंट्रोल। ठीक है जी, तो ये अपना क्वेश्चन। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है जी, पार्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। इतने कुछ डेवलपमेंट के तुम पार्ट्स दिते हुए ने, यो पूछा गया जी कि यह डेवलपमेंट देने जो बच्चे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट्स ने कि उसके डोमेन्स ने, यह तुहाडा क्वेश्चन है। ऑप्शनस ने तुहानू फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन तुहाडा सैकेंड ऑप्शन है जी कोगनीटिव डेवलपमेंट, सी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, कि यह सारे दे सारे जो पोर्शनस ने डेवलपमेंट दे ने तुहाडे हिस्से ने, यह तुहाडा क्वेश्चन है। तो इससे तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी, इसका राइट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। ये तुहाडे जिन्ने भी तुहानू नीचे जो है ऑप्शनस गिवन ने, ये सारिया तुहाडियां ने जी डेवलपमेंट दे ही डोमेन्स ने। ठीक है जी, डेवलपमेंट दे ही डोमेन्स ने। इस आप अगर तुम देखोगे इसे तो एडिशनल इनफोरमेसन के सामने जो एक पिक है जिद डेवलपमेंट टाइप्स ने। ठीक है जी, मेन अपने को डेवलपमेंट के इतने 6 टाइप्स ने, जिद कोगनेटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये थोड़े ने डेवलपमेंट के मेन 6 डोमेन्स। तो अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन से इस तो पहला जो क्वेश्चन आप डिस्कस किया वो पहली ऑप्शन जो 3 ऑप्शनस ने वो तिने ऑप्शनस ये आ चुकी ने तोड़िया। ठीक है जी, तो उस राइट आंसर बनया कि वो सारी दारिया जो ने डोमेन्स डेवलपमेंट दया है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा है जो ने अपने डेवलपमेंट के कुछ पोर्शनस ने कह लो ज कुछ डोमेन्स ने जिन्हों तो होके कि डेवलपमेंट गुजरती है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेजेस आदि ने अपन। हुण इसी एडिशनल इनफोरमेसन के सारिया जो डेवलपमेंट के डोमेन्स ने उन्होंने आप एक एक करके थोड़ा जहा उन्हों पर चानन पाने। तो सब तो पहला थोड़ा जो है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की है जी भाव कि थोड़े अंदर जो फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है जी, थ्रू आउट द लाइफ वो जो थोड़े के जिंदगी जो भी अपने अंदर चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं, उन्होंने कहा जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो थोड़ा कि इनू स्टैटिक प्रोसीजर भी बोल सकते हो तुसी, भाव एक हद ते जाके या कह लो एक पर्टिकुलर एज ते जाके की होगी थोड़ी फिजिकल डेवलपमेंट जो कि होंगी है स्थिर हो जाती है। तो इसनों पर स्टैटिक प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। नैक्सट थोड़ा जो है कोगनेटिव डेवलपमेंट, कोगनेटिव डेवलपमेंट जिदे विच थोड़े सारी एबिलिटीज़ भाव थोड़े जो दिमाग दी जो एक्टिविटीज़ ने, रीजन थिंकिंग, ठीक है जी, प्रसीव करना, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिथे थोड़ा दिमाग काम करता है भाव थोड़ी मेंटल डेवलपमेंट, तो उन्हें बोले जाता है कोगनेटिव डेवलपमेंट। इसके बाद आ गया जी सोशल डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सोशल स्किल्स एंड वैल्यू अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ठीक है जी, यानी कि समाज के रह के तुसी जो स्किल्स सीखते हो उन्हें कहा जाता थोड़ी समाज के रह के जो तुसी वैल्यू सीखते हो, जो स्किल्स अपने अंदर इक्वायर करते हो, वो सारिया थोड़िया सोशल डेवलपमेंट के आ जाए ने। इसके बाद नैक्सट आ जाता जी अपना इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट भाव इट रेफरस टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वनस ओनस इमोशन एज वैल ऑज एज दस ऑफ अदरस। भाव की है थोड़े जो भावनात्मक विकास है उसकी गल हो रही है कि तुम उसनू कंट्रोल करना, उसनू मैनेज करना, कि तुसी की जो थोड़े इमोशनस ने एक सही टाइम पर सही अमाउंट के दर्शाना। ठीक है जी, तो वो चीज़ होगी थोड़ी इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये आ जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा नू समझना, ठीक है जी, उसनू यूज़ करना सही तरीके दे नाल, तो वो थोड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट दे विच आ जाएगा। इसके बाद मॉरल डेवलपमेंट, इट रेफरस टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट वट इज़ राइट एंड वट इज़ रोंग, भाव कि समझना कि सही है कि गलत है, उसनू कहिंदे नैतिक विकास। तुहानू सही गलत की पहचान होवे, तुसी उन्हां नू डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है जी, इट इज़ स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरपर्सनल फैक्टर्स सच एज अ फैमिली पीयर्स एंड कल्चर। हूँ जो थोड़ा सही है कि थोड़ा गलत है, ये थोड़ा किस चीज़ ना रिलेट करेगा जी, ये रिलेट करता थोड़े
जो इंटरपर्सनल फैक्टर्स ने अपनी फैमिली पीयर्स कल्चर उन्हों लेके ठीक है जी तुहाडे जो सही है गलत है उन्हां द्वारा डिसाइड होएगा ठीक है जी। तो ये अपनी अडिशनल इनफॉरमेशन तुहाडे सैकेंड क्वेश्चन लैके इस बाद नैक्सट क्वेश्चन वल मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी अपना विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ अ सोशल वैल्यू, इन्हां विचों केड़ा जिहड़ा कि तुहाडी सोशल वैल्यू है ये क्वेश्चन है जी अपना। ऑप्शनस ने प्राइमरी गोल, ऑप्शन बी इंस्टिंक्ट, ऑप्शन सी अल्ट्रुइज्म या फिर फोर एग्रेशन नीड्स। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी ठीक है जी अल्ट्रुइज्म भाव की उपकार पर उपकार ठीक है जी। इसके अगर आप एक्सप्लेनेशन भी देख लें इससे थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे विच है जी कि पर उपकार का मतलब की है द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर दैन योर ओन, अपने आप तो पहला किसी दूसरे दिया लोड़ा उदी खुशी नू समझना ठीक है जी हों अपना पर उपकार। इस तो इलावा थोड़े कुछ होर सोशल वैल्यूज़ केड़िया ने तो भी दित्तियां गई ने ठीक है जी, जिमें थोड़ी पैट्रोइज़म होगी, सैक्रीफाइस हो गया, होनेस्टी, रैशनैलिटी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन ठीक है जी, सिविलाइजेशन, रिस्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन परसनैल जो है डिग्निटी, ये सारिया चीज़ा कि ने अपनी सोशल वैल्यूज़ के आ जाने ने जिड़िया आप समाज के रह के जो आप समाजिक प्राणी बनते हैं समाज में रह के इन चीज़ों इक्वायर करते हैं। जे चीज़ा तुम इक्वायर कर लें हो सीख लें हो तो एक सोशल मैमल बन जाने भाव कि समाज तुहाडे लई सूटेबल है तुहानू समाज एक्सैप्ट कर लैंदा है ठीक है जी। ये आ जाएंगे अपना इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपना सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एक्चुअली बिगिन, भाव कि जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है समाजिक विकास है वो कितों शुरू होंदा है, ये क्वेश्चन है अपना ठीक है जी। ऑप्शनस ने तुहाडे कोल इन अर्ली स्कूल स्टेज, ऑप्शन बी इन इनफेंसी, सी इन अर्ली चाइल्डहुड या फिर डी इन लेटर चाइल्डहुड। हुण इह तुहाडा क्वेश्चन है कि बच्चे का असल दे विच सोशल डेवलपमेंट कितों शुरू हो जाता है। हुण पहली गल तुहाडा जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का शुरू हो जाता है जी इनफेंसी पीरियड तो ही ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन नूं थोड़ा ध्यान देना कि जो बच्चे का समाजिक विकास है वह शुरू हो जाता है इनफेंसी पीरियड तो। इनफेंसी पीरियड जिथे बच्चे का जो जन्म होंदा है तो उसके डेढ़ तो दो साल का पीरियड उन्होंने बोलिया जाता इनफेंसी पीरियड। हुण उस एज दे विच बच्चा जी रहिंदा अपनी फैमिली दे विच भाव कि उहदे केयर टेकर उहदे पेरेंट्स उहदे उन्हां दे नाल घिरिया होया हुंदा है तो उत्थे बच्चे का उन्हां दे नाल समाजीकरण हुंदा है ठीक है जी। उन्हां दे नाल उन्हां कह लो भी उन्हां दे नाल बच्चा रहिंदा ठीक है जी। उन्हां तो जो है सोशल उन्हां नाल हुंदा है उन्हां नाल फैमिलियर हुंदा है। बट इतने क्वेश्चन है तुहाडा कि भी असल दे विच बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितों शुरू होंदी है, तो बच्चे की अगर असल डेवलपमेंट आप गल करिए राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी इन अर्ली चाइल्डहुड। इतने तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर तीन सी इन अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे का असल दे विच जो सोशल डेवलपमेंट है वह शुरू होंदी है अर्ली चाइल्डहुड दे विच, जदों बच्चा तुहाडा कि है तीन तो चार साल का हो जाता है घर तो बाहर निकलता है नेबरस नू मिलता है ठीक है अपने पीयर्स नू मिलता, तो असल दे विच बच्चे दे सोशलाइजेशन उत्थों शुरू होंदी है। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट है जी इसे कुछ अडिशनल इनफॉर्मेशन, सोशल डेवलपमेंट की है तुहाडे सामने एक डेफिनेशन गिवन है, इट रेफर्स टू द वे अ चाइल्ड लर्न टू द इंटरैक्ट विद अदर्स एंड डेवलपमेंट सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, इट इज़ द ट्रस्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू अर्ली एक्सपीरियंसिस एट होम एंड द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंट इन एक्सप्लोरिंग थिंग्स अराउंड इंपैक्ट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ठीक है जी। भावे दे विच तुहाडा यही दिता गया कि समाजिक विकास की है एक तरीके का वे जिदे विच बच्चा की है सीखता है दूसरियां दे नाल इंटरैक्ट हुंदा है उन्हां नाल मिलदा जुलदा है उन्हां दे नाल की करदा है अपने सोशल रिलेशन्स बनांदा है ठीक है जी संबंध बनांदा है ठीक है जी। इट इज़ द ट्रस्ट एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू द अर्ली एक्सपीरियंसिस, इतों बच्चा की करता है ट्रस्ट गेन करता है ठीक है जी अपने घर विच बाहर तो एक्सप्लोर करता उन्होंने नाल की करता समाजीकरण करता उन्होंने जुड़ता है ठीक है जी। ये चीज़ आएगी अपनी ये
इसलिए अगे वधदे हां जी। हुण सोशल डेवलपमेंट इनफेंसी ते सोशल डेवलपमेंट आपां अर्ली चाइल्डहुड दी गल कर लैंदे आ कि जो तुहाडा क्वेश्चन सी ओह सीगा भी असल विच बच्चे दसवां जीकरण कित्थों शुरू हुंदा है तां सोशल डेवलपमेंट बच्चे दी असल विच शुरू हुंदी सी अर्ली चाइल्डहुड तों। हुण तुहाडा जो है सोशल डेवलपमेंट इनफेंसी पीरियड की गल कर लैंदे आ। कहिंदे एज एन इनफेंट स्ट्रोंग टाइज आर द इस्टैबलिश बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज द केयर टेकर जनरली मदर फादर और द फैमिली मैंबरस। मतलब इतने बच्चे का जो समाजीकरण होंगे उन्होंने नाल होंगे जिन्हों के नाल बच्चे का कह लो स्टार्टिंग जिन्हों नाल जुड़ता है भाव अपने मदर फादर के नाल या वो जो केयर टेकरस ने उन्होंने नाल सोशलाइजेशन होंगे। ठीक है जी। नैक्सट इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चा आता है तो बच्चा चलना फिरना थोड़ा सीख जाता है। ठीक है जी। भाव के घर तो बाहर निकलना शुरू करता है तो उत्थे की करता है बच्चा जो कि डेवलपमेंट होंगी है बच्चे की फ्रेंडशिप होंगी है होर बच्चों नाल मिलता जुलता है। ठीक है जी। घर तो बाहर निकलता है अपने होर एडल्ट्स के नाल मिलता है। ठीक है जी। अंडरस्टैंड करता दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता भाव कि उतों बच्चे का असल के सोशल डेवलपमेंट होना शुरू होंगे। ठीक है जी। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। इससे बाद थोड़ा क्वेश्चन है जी सोशलाइजेशन इनकलूड्स कल्चर ट्रांसमिशन एंड भी जो थोड़ा सोशलाइजेशन है एक तो है कल्चरल ट्रांसमिशन तो ये होर की चीज़ शामिल है। ऑप्शनस ने डिसकरेज रिबेलियन ऑप्शन बी या टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी सी फिट्स चिल्ड्रन इन टू लेवल्स या फोर प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। सोशलाइजेशन की गल हो रही है समाजीकरण की गल हो रही है जी तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन भाव कि सभ्याचार का वटांदरा। ठीक है जी। यही चीज़ होंगी है ना इंसान की होंगे जो जन्म लेंदा उसके बाद एक समाज के जो आता तो एक कल्चर के जो आता तो उस कल्चर इक्वायर करता है उस समाज में अपने आप में उस समाज के अकॉर्डिंग बनाता है तो वह होंगे सोशलाइजेशन। ठीक है जी। हुण इस तो इलावा होर की चीज़ होंगी है ये होर की चीज़ शामिल होंगी है थोड़ी तो इसका थोड़ा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है जी। कल्चर ट्रांसमिशन भी होंगे एक कि इंसान दे विच की वो अंदर एक सभ्याचार दे नाल हो जुड़ता है सभ्याचार नू धारण करता है तो उससे नाल की होंगी उस एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बनती है वह भी विकास होंगे तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू। नैक्सट क्वेश्चन है जी वट डू यू मीन बाय सैकेंडरी सोशलाइजेशन। सैकेंडरी सोशलाइजेशन का की मतलब है ये थोड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शनस ने जी अपन इट रैफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हू लर्नस वेरी इंपॉर्टेंट लैसन इन अ सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स कि भाव बच्चा सीखता है अपने के कुछ सोशल कंडक्ट्स अपने पीयर्स तो सीखता है अपने साथियों तो अपने हम उम्र तो कुछ सीखता बच्चा तो उन्हों तो सीख के अगे वधदा ये चीज़। ऑप्शन बी इट रेफर्स टू द प्रोसैस ऑफ अ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सैप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ या फिर सी इट रेफर्स टू द सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन अ प्राइमरी और अर्लीयर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ सी इट डी इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एंटीसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। ठीक है जी। क्वेश्चन सी अपना कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। हुण सोशलाइजेशन की अगर गल करिए तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आ गया अगे आप टाइप्स भी डिस्कस करांगे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की है सेकेंडरी सोशलाइजेशन की है कुछ होर भी थोड़े सोशलाइजेशन के आसपैक्ट्स ने वो की ने। ठीक है जी। तो थोड़े इतने क्वेश्चन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन की गल की गई है तो थोड़े जो सोशलाइजेशन होंगे ना इससे कुछ एजेंट्स होंगे ने भाव अगर पहला आप प्राइमरी सोशलाइजेशन की गल करिए सोशलाइजेशन जिहड़ी तुहाडे घर दे विच जो तुसी समाजीकरण करदे हो बच्चे दे बर्थ तो बाद वाला जो आपां कह लो सोशलाइजेशन हुंदा उह हुंदा प्राइमरी सोशलाइजेशन जिथे वो अपने फैमिली मैंबरस अपने पेरेंट्स उन्हां दे नाल जो हुंदा है। ठीक है जी। वह हो जाता तुहाडा प्राइमरी सोशलाइजेशन। इत्थे इस तों बाद सैकेंडरी सोशलाइजेशन घर तो बाहर जो बच्चा निकलता अपने नेबरस नूं मिलता अपने पीयर्स नूं मिलता स्कूल्स दे विच तो वह सारी चीज़ें आ जांदियां होंदियां सैकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है जी।
हूँ सैकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब पूछा गया सी तो थोड़ा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन अ सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। ठीक है जी, इसका राइट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ओहो जो है की आएगा थोड़ा सैकेंडरी सोशलाइजेशन भाव के जो बच्चा की कुछ समाज के तौर तरीके अपने हम उम्र के साथियों तो सीखता है, फैमिली तो बाहर निकल के जो सीखता है वो आ जाती है थोड़ी सैकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है जी, इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं, सॉरी इसकी अडिशनल इन्फॉर्मेशन वाल मूव करते हैं। तो थोड़ी इसकी जो है ये बारे अगर जानिए आप सोशलाइजेशन की है जी, थोड़ा सोशलाइजेशन इज अ प्रोसैस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स कल्चर वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी टू द सोशल एक्सैप्टेबल। भाव ओह प्रोसैस जिथे इंसान जो जिस समाज के जो रह रहे हैं उतों के तौर तरीके कल्चर वैल्यूज रीति रिवाज उन्हों चीज़ों सीखना, भाव कि एक्सैप्टा सामने समाज एक्सैप्ट करे यह जी वैल्यूज न सीखना। ठीक है, वह हो गया थोड़ा सोशलाइजेशन, तुम समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उन्होंने वैल्यूज कह लो उन्होंने जो तौर तरीके है रीति रिवाज मान रहे हो तो थोड़ा सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है जी, ये आएगा भाव कि एक्सैप्टेबल है। इसके बाद आ जाता सैकेंडरी सोशलाइजेशन जिदे चो अपना क्वेश्चन बनया हुआ सी जी। सैकेंडरी सोशलाइजेशन की है थोड़ा कहते इज़ अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन विच रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लैसन इन अ सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। भाव कि एक बच्चा है जो वध रहा है तो उसके बाद की है कुछ इंपॉर्टेंट लैसन सीखता समाज के नाल रिलेटड। ठीक है जी, वो की तो सीखता वो अपने पीयर्स तो सीखता, तो थोड़ा ये राइट आंसर से अपना। ठीक है जी, पीयर ग्रुप्स आर द एजेंट ऑफ द सैकेंडरी सोशलाइजेशन। कई बार थोड़ा क्वेश्चन ये भी बन जाता कि सैकेंडरी सोशलाइजेशन वो कुछ टाइप्स दी होंगे ने या कह लो इन कि पोर्शन जो कि सैकेंडरी सोशलाइजेशन आएगा, तो पीयर अगर थोड़ा दिख रहा तो पीयर ग्रुप्स भी थोड़ा सैकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट ने। ठीक है जी, इट हैल्प्स चाइल्ड टू लर्न एप्रोप्रिएट सोशल एटीट्यूड सच हाउ टू लाइक एंड इंजॉय सोशल लाइफ एंड सोशल एक्टिविटीज़। भाव कि एक ही है तो एक तरीके का इस बच्चा सीखता भी किस तरीके समाज की जो कि है इनू इंजॉय कर सकते हो, ग्रुप्स ग्रुप एक्टिविटीज़ नू इंजॉय कर सकते। ठीक है जी, इस तरीके का वो एटीट्यूड सीखता है। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन है थोड़ा ओके टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ये बारे भी आप गल कर लें थोड़िया जो सोशलाइजेशन के कुछ टाइप्स ने इन बारे। तो सारे नाल पहला है जी थोड़ी प्राइमरी सोशलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसैस विच पीपल लर्न एटीट्यूड वैल्यूज़ एंड एक्शन एप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल एज अ मैंबर ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर। जो बच्चा एक पर्टिकुलर कल्चर के रह के एक इंडिविजुअल जो कि है बना जो जिथे कि है वह की कह लो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते एक प्रोसैस जिथे बच्चा की है जी एक पर्टिकुलर कल्चर के तौर तरीके रीति रिवाजों को सीखता है। ठीक है जी, स्टार्टिंग होंगी है घर घर के होंगे बच्चा जिस तरीके का तुहाडे घर का माहौल होगा उस तरीके का बच्चा सीखेगा। तुसीं घर विच पंजाबी बोल रहे हो बच्चा पंजाबी ही सीखेगा, बच्चा पंजाबी बोलना सीखेगा, तुहाडे घर पंजाबी कल्चर है तो वह चीज़ें ही सीखेगा जिस तरीके का यानी कि घर का माहौल। तो जिहड़ी कल्चर वाली जो है ने जो नॉर्म्स ने जो वैल्यूज़ ने वो सारी अपनी स्टार्टिंग दे विच घर तो ही अपन मिलदियां ने, उससे बाद बच्चा सैकेंड स्टैप वाल अगे वधदा है। ठीक है जी, इहदा तुहाडा प्राइमरी सोशलाइजेशन आ जाएगा। इसके बाद नैक्सट है जी सैकेंडरी सोशलाइजेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसैस ऑफ लर्निंग ऑन वट इज़ द एप्रोप्रिएट बिहेवियर एज अ मैंबर ऑफ अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द लार्ज सोसाइटी। यानी कि सैकेंडरी सोशलाइजेशन की है तुहाडे घर तो बाहर का माहौल एक लार्ज सोसाइटी के जो तुम अगे वधदे हो तो वह थोड़ा सैकेंडरी सोशलाइजेशन आता घर तो बाहर ये थोड़ा है एक स्मॉल घर आ गया अपना एक स्मॉल यूनिट आ गई थोड़ी छोटा एरिया सोशलाइजेशन का घर तो बाहर निकलते हैं समाज के आने हैं। ठीक है जी, तो वह हो गया थोड़ा व्डा दायरा यानी कि सैकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चा छोटे जे दायरे के जो बड़े दायरे के शिफ्ट करता उतों के तौर तरीके नॉर्म्स वगैरह में जो सीखता तो वह आ जाता थोड़ा सैकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है जी, इससे बाद नैक्सट है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन की है जी, इट इज़ द प्रोसैस ऑफ अ लर्निंग बिहेवियर इन अ सोशल इंस्टीट्यूट सोशल और द डेवलपिंग सोशल स्किल्स। भाव कि डेवलपमेंटल जो वह सोशलाइजेशन जो थोड़े विकास के हेल्प करता थोड़ा। ठीक है जी, वो आ जाएगा थोड़ा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी कि वह बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर
जब प्रोसैस जो तुहानू की है अंदर सोशल स्किल्स नू लेके नू डेवलप करता है, ठीक है जी, वो आएगा डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। इससे बाद आ गया तुहाडा एंटीसीपेटरी सोशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीसीपेटरी सोशलाइजेशन की है जी, तुहाडा ओहो सोशलाइजेशन इत्थे है जी, इट रेफरस टू द मेंटल जो है रिहर्सल्स, कॉन्क्रीट प्लान्स एंड सबटल चेंजेस इन अ वैल्यूज एंड परसेप्शंस दैट इन दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ सोशल रोल्स अबाउट टू अकर, भाव कि कुछ कह लो तुसी कि अपने अंदर चेंजेस लैके आ रहे हो, वो चेंजेस जेड़े तुहाडे की ने एक तरीके की तुहाडी मेंटल रिहर्सल हो रही है, ठीक है जी। तुसी अपने आप नू एडजस्ट करना समाज, इनू अगर आप मन के चलते हैं कि तुसी समाज दे विच की करना, तुहाडी जो कि है तुहाडा जो कह लो भी जिवें कोई प्रोफेसन है, प्रोफेसन एक प्रोफेसन दे विच अपने आप नू ढालन दे लई तुसी उत्थों दे जो जो है चीज़ां सीखोगे, ठीक है, वो आ जाएगा तुहाडा एंटीसीपेटरी सोशलाइजेशन, भाव कि तुसी वो चीज़ां सीख रहे हो जो कि तुहाडे प्रोफेसन दे नाल रिलेटड ने, समाजिक समाज नाल रिलेटड ने ते तुहाडे प्रोफेसन नू रिलेट कर रही ने, ठीक है जी, वो आएगा एंटीसीपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है जी। इससे बाद आ गया रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन का की मतलब है जी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन इन वंस लाइफ, दिस अकर्स थ्रू आवर ह्यूमन लाइफ, भाव कि तुसी रीसोशलाइज हो रहे हो, तुहाडा दोबारा समाजीकरण हो रहा है, ठीक है जी। कुछ नॉर्म्स नू, कुछ तौर तरीकों तुसी की कर रहे हो छड़ रहे हो ते कुछ नवी चीज़ों अपना रहे हो, नवे समाज के विच विचर रहे हो गया तुहाडा रीसोशलाइजेशन, ठीक है जी। तो यह आएगा अपना, इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी तुहाडा, द जनरल प्रोसैस ऑफ इक्वायरिंग कल्चर इज़ रैफर टू एस, जनरल प्रोसैस कल्चर नू इक्वायर करना, सभ्याचार नू ग्रहण करना, तो इसका जो जनरल प्रोसैस है उसनू की कहा जाता है, ओही जिस नाल रिलेटेड आप गल कर रहे हैं जी, तुहाडे सोशलाइजेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, सोशलाइजेशन आप डिस्कस कर रहे हैं, तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन, सोशलाइजेशन, इट इज़ द जनरल प्रोसैस टू इक्वायर कल्चर, ठीक है जी। तो आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रिलेशंस रिलेशनशिप कम अंडर टेरिटरी रिलेशनशिप, इन्हां विचों केड़े रिलेशंस ने, केड़ा रिलेशनशिप है जो तुहाडा टेरिटरी रिलेशनशिप दे विच आ जांदा है, ठीक है जी। ऑप्शनस ने नेफ्यू, अंकल, मदर या फिर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर फोर, फ्रेंड्स, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तुहाडा टेरिटरी रिलेशनशिप आ जाएगा, अपना प्राइमरी रिलेशनशिप कह लो जो तुहाडा बॉन्ड है तुहाडे पेरेंट्स के नाल, ठीक है जी। इसके बाद तुहाडा सैकेंडरी, इसके बाद टेरिटरी, ठीक है जी, ये जो तुहाडा आ जाएगा फ्रेंड्स के नाल जो रिलेशनशिप अपना बॉन्ड चलता है, ठीक है, वो आ जाएगा तुहाडा फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के नाल टेरिटरी रिलेशनशिप। नैक्सट आएगा जी अपना, नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, सोशल डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल अ मैटर ऑफ, जो तुहाडा समाजीकरण है उसके उपर ही क्वेश्चन है जी, ये की है किस मैटर नाल रिलेटेड है। ऑप्शनस ने अपने, कंफर्मिटी टू द डिमांड्स ऑफ द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन टू अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पस विद दस ऑफ द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन फोर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल्स, ठीक है जी। इसका राइट आंसर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पस विद दस ऑफ अ सोशल ऑर्डर, यानी कि इंटीग्रेट करना एक बंदे दे जो पर्पस है जो किसी ना रिलेट होंगे सोशल ऑर्डर्स के नाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एज अ सोशल एजेंट हु इज़ अ टेकिंग द रोल ऑफ फैमिली, एक सोशल एजेंट जेड़ा की करेगा एक रोल प्ले करेगा एज अ फैमिली, ठीक है जी, टेकिंग द रोल ऑफ अ फैमिली, ओदी जगह ले सकदा जो कह लो एक परिवार दी, तां तुहाडे कोल ऑप्शनस ने टीचर, पीयर ग्रुप, नेबर्स या फिर सोसाइटी। क्वेश्चन है जी तुहाडा, एज अ सोशल एजेंट हु इज टेकिंग द रोल ऑफ फैमिली, जो कि परिवार की जगह ले लैंदा है, तो तुहाडा इसका राइट आंसर आएगा जी पीयर ग्रुप्स, तुहाडे दोस्त मित्र प्यारे, ठीक है जी, पीयर ग्रुप्स आ जाएंगे ये इस राइट आंसर, ठीक है जी।
ए सी जी अपने अज कुछ सी डी पी के 10 एम सी क्यूज जिन्होंने आप डिस्कस किया उवें आप कुछ होर क्वेश्चन भी लैके आवेंगे जिन्हों की एक्सप्लेनेशन अगर अपन कह लो जिदी इंपॉर्टेंट जो इनफॉर्मेशन होएगी वो भी तुहानूं नाल नाल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये अपने अज कुछ एम सी क्यूज़ ने जिन्हों आप डिस्कस किया। नैक्सट वीडियो के आप होर कुछ एम सी क्यूज़ में डिस्कस करा तो अजली इन्ना ही। थैंक यू।